हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये। ये जो है आप देखिएगा जिस रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाएं उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जो भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो, जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की, इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे, फोन आते थे एमएलए के पास में मुझे घर में कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं।